दिस इज अंजलि एंड वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम करेंगे जीके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जो कि साइंस और आईटी के ऊपर बेस्ड है। सो अगर आप बीसीए के एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हो स्पेसिफिकली फॉर आईपी यूनिवर्सिटी, दिस वीडियो इज गोइंग टू बी रियली हेल्पफुल टू यू। हम 20 क्वेश्चंस करेंगे इस वीडियो में जो कि आपके जनरल नॉलेज या जनरल अवेयरनेस के ऊपर बेस्ड है एंड स्पेसिफिकली साइंस और कंप्यूटर साइंस के ऊपर बेस्ड, जैसे कि प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आते रहे हैं। ठीक है, आप करंट अफेयर्स भी थोड़ा सा प्रिपेयर जरूर करना क्योंकि अभी आप लोग पूछोगे कि मैम करंट अफेयर्स करना है या नहीं। सो जस्ट टू बी ऑन सेफर साइड, वैसे भी आप सीयूईडी के लिए भी प्रिपेयर कर रहे होंगे, सो जस्ट प्रिपेयर इट अ बिट, बट ज्यादातर क्वेश्चन आपको सिर्फ साइंस और आईटी से रिलेटेड ही पूछे जाते हैं। ठीक है, सो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एन एटम। ठीक है, इसमें आपकी बेसिक जूनियर क्लासेस की जो साइंस है वो भी पूछी जा सकती है, लाइक दिस क्वेश्चन इज देयर। सो इसका सही आंसर क्या होगा, आप चाहें तो आंसर कमेंट्स में साथ के साथ लिख सकते हैं, अदरवाइज एट द एंड यू कैन टेल मी कि 20 में से आपके कितने आंसर्स सही थे। ठीक है, सो इसका सही आंसर है फोटोन, ऑप्शन नंबर इज नॉट अ फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एन एटम। प्रोटोन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन होता है, फोटोन नहीं होता। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। हु इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स। सो मॉडर्न फिजिक्स के फादर किसे कहते हैं हम आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस, एंड द करेक्ट आंसर इज एल्बर्ट आइंस्टाइन। राइट, ऑप्शन नंबर थ्री इज विच प्लैनेट इज नोन एज द रेड प्लैनेट आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस। सो आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस द करेक्ट आंसर इज मार्स। मार्स इज नोन एज द रेड प्लैनेट। The process by which green plants make their food is called, सबको पता है ये तो है ना, photosynthesis, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। So answer is photosynthesis, option D देखने की जरूरत भी नहीं थी, but the direct answer is photosynthesis for that. What is the SI unit of electric current? So electric current की SI unit क्या होती है, answer is option number C, ampere. Which scientist is credited with the invention of the World Wide Web? ये जो हमारा WWW है जिसमें सब कुछ होता है, कौन से scientist इसके लिए responsible है? So name is Tim Berners-Lee because he is the one जिन्होंने HTML शुरू की थी and उसी की वजह से websites बननी शुरू हुई और तभी हमारे पास ये World Wide Web का concept आया। So Tim Berners-Lee is the correct answer for question number 6. Seventh question says, which programming language is used for developing Android applications? So out of the given options, aapke paas Android applications ke liye kaun si language use hoti hai? Answer is Java. Hamare paas do languages hain jo hum Android application ke liye use karte hain. Ek hoti hai Java, ek hoti hai Kotlin. K-O-T-L-I-N. So Java and Kotlin are used. Nowadays, we have started using JavaScript also for mobile applications. ठीक है, स्पेसिफिकली फॉर एंड्रॉइड वन। अगर आईफोन के लिए आपसे पूछा जाता तो स्विफ्ट लैंग्वेज यूज होती है फॉर iOS मोबाइल एप्लीकेशंस। ठीक है, बट इसका सही आंसर है जावा। व्हाट डज एचटीएमएल स्टैंड फॉर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वेब डेवलपमेंट। फुल फॉर्म ऑफ एचटीएमएल, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ऑप्शन नंबर ए, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ कंप्यूटर वायरस। सो इसका आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि वो तो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, वो वायरस थोड़ी है, वो तो हमारे कंप्यूटर को मैनेज करता है। सो लिनक्स इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम, इट्स नॉट अ वायरस, इट इज टू ऑपरेट योर कंप्यूटर। हु इज नोन एज द फाउंडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन। सो माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन के फाउंडर कौन है, इवन ओनर अभी तक वही है। सो ही इज आर ऑल टाइम फेवरेट बिल गेट्स, जिन्होंने किसको वो चाय वाले का नाम किया है, I forgot. जो अभी काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, जो बहुत स्टाइल में चाय बना के सेल करते हैं ना, सो बिल गेट्स वेंट टू हिज टी स्टॉल, सो वो भी फेमस हो गए। सो दैट इज द पॉपुलैरिटी ऑफ बिल गेट्स, बट ही इज द फाउंडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन। ओके, व्हाट इज द केमिकल सिंबल फॉर वाटर। ये क्वेश्चन आप मानोगे नहीं, पिछले साल आया है, इतना ईजी क्वेश्चन, आप इतना ईजी भी आ सकता है, पर जरूरी नहीं है कि सारे क्वेश्चन इतने ईजी थे। सो केमिकल सिंबल फॉर वाटर इज H2O. Who developed the theory of relativity? Relativity की थ्योरी किसने डेवलप की थी? So that is Albert Einstein again, who is your father of modern physics. So that's the answer.
13th is, which of the following is not a type of क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस? सो क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है कि हमारे सिस्टम पे सब कुछ स्टोर्ड नहीं है, कुड बी स्टोर्ड एनीवेयर एंड वी कैन यूज इट, दैट इज क्लाउड कंप्यूटिंग. तो मैं क्लाउड कंप्यूटिंग क्यों यूज करती हूँ? सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस. कई बार बहुत बड़े बड़े सॉफ्टवेयर होते हैं जो हम अपने सिस्टम पे इंस्टॉल नहीं कर पाते, लेकिन हम क्लाउड से यूज कर सकते हैं. सो दैट इज सैस, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस. देन इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस. आजकल बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो लॉन्च ही क्लाउड पे हो जाती है, जैसे कि आपका AWS है, अमेजॉन वेब सर्विसेज, दैट्स अ क्लाउड. उसी पे ही साइट्स हम लॉन्च करके व्यू कर सकते हैं. देन यू हैव पास, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस. कम्युनिकेशन एज अ सर्विस जो है वो क्लाउड का पार्ट नहीं है. कम्युनिकेशन आपकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होगी, ईमेल से होगी, चैट से होगी, उसमें क्लाउड का कोई रोल नहीं है. सो कम्युनिकेशन एज अ सर्विस इज नॉट अ सर्विस प्रोवाइडेड बाय क्लाउड कंप्यूटिंग. सो डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. Which component of a computer is responsible for executing instructions? Very clear. It's CPU, Central Processing Unit. The process of converting analog signals into digital signals is called dash. Analog signal को digital signals में हम convert कर रहे हैं, ठीक है? So यहाँ पर जो options हैं उसके हिसाब से इसका answer बनेगा digitization. वैसे हमारे computers में हम इसे demodulation भी कहते हैं, क्योंकि जब आपके कंप्यूटर में जो सिग्नल्स हैं वो डिजिटल होते हैं, डिजिटल से जब वो एनालॉग में कन्वर्ट होते हैं, जब हम डेटा भेज रहे होते हैं नेटवर्क में, तो वो मॉड्यूलेशन होता है. डिजिटल टू एनालॉग इज मॉड्यूलेशन. जब वापस आता है तो डीमॉड्यूलेशन कह देते हैं उसे, और उसी चीज को हम डिजिटाइजेशन भी कहते हैं. तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी. हु इज नोन एज द फाउंडर ऑफ मॉडर्न बायोलॉजी? सो मॉडर्न बायोलॉजी के फाउंडर कौन है? करेक्ट आंसर इज चार्ल्स डार्विन. सो चार्ल्स डार्विन इज नोन एज द फाउंडर ऑफ मॉडर्न बायोलॉजी. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? सो आंसर इज बी, फोटोशॉप. फोटोशॉप एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो कि आपकी इमेजेस के ऊपर काम करने के लिए यूज होता है. इट इज नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. जावा, सी प्लस प्लस, पाइथन आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस. वॉट इज द फुल फॉर्म ऑफ लैन इन द कंटेक्स्ट ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स? सो इट इज लोकल एरिया नेटवर्क. एक ऐसा नेटवर्क जो हम 1 किलोमीटर की रेंज के अंदर बनाते हैं टू शेयर द इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्सेज, दैट्स लोकल एरिया नेटवर्क. हु इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ कंप्यूटर? ये तो सबको पता है, चार्ल्स बैबेज. ठीक है, एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे इज, विच एलिमेंट इज मोस्ट अबंडेंट इन द अर्थ क्रस्ट? क्रस्ट में सबसे कम कौन सा है? एंड आंसर इज ऑक्सीजन. सो ऐसे ही क्वेश्चंस मैं आपको प्रोवाइड करती रहूंगी. अब आप बोलोगे कि मैम ये आंसर्स हम लिखे हैं, बिल्कुल नहीं, आपको पीडीएफ मिल जाएगी. पीडीएफ कहाँ से मिल जाएगी? क्वेश्चंस हैं नीचे, आंसर की दी गिवन है, एंड यू विल गेट दीज पीडीएफ्स इन द ऐप फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन. ठीक है, सो ऐप डाउनलोड कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप जाएंगे. फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन में आपको आईपीयू सीईटी का जो फोल्डर मिलेगा उसमें आपको ये पीडीएफ्स मिल जाएंगी. सो गो अहेड, डाउनलोड इट फ्रॉम देयर एंड लर्न इट, रिवाइज इट थॉरली, क्योंकि अच्छे से कॉलेज में जाना है बीसीए करने, और उसके बाद 3 साल मैम से पढ़ना है ना, अगले 3 साल तो यहीं से पढ़ोगे ना, तो इसलिए पेपर अच्छे से दो. ऐप डाउनलोड कर लो, हर सेमेस्टर वाइज कोर्स भी आपको वहां पे मिल जाएगा, बट उसके लिए बहुत जरूरी है कि एंट्रेंस एग्जाम पहले बहुत अच्छा जाना चाहिए. सो प्रिपेयर वेल फॉर योर एंट्रेंस एग्जाम, पढ़ते रहो. कोई भी डाउट हो फील फ्री टू राइट इन द कमेंट्स. अभी मुझे लिख के बताओ कि 20 में से आपके कितने आंसर्स सही थे, बिकॉज यू आर गोइंग टू गेट 25 क्वेश्चंस बेस्ड ऑन जीके एंड आईटी. सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, सो चलिए, दैट इज इट फॉर दिस वीडियो. मिलते हैं अगली वीडियो में विद अनदर सेट ऑफ क्वेश्चंस. एंड टिल देन टेक वेरी गुड केयर. जाने से पहले लाइक पे जरूर क्लिक कर दो भाई, प्लीज डू क्लिक ऑन द लाइक बटन, शेयर इट विद योर अदर फ्रेंड्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर पीसीए एंट्रेंस, एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड आस्क योर फ्रेंड्स ऑल्सो टू सब्सक्राइब. सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. सी यू सून.